इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है, इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। सदगुरु बिना किसी को सद ज्ञान कब मिला। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जितने भी भाई बहन
हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को आज गुरु का वरण करने के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से वो सभी आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं जिनके लिए कि आज गुरु ने उनका चयन किया है, उन्हें प्रेरित किया है कि वो गायत्री की शरण में आएँ और गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। तो निश्चित रूप से ये आप सभी के सौभाग्य का क्षण है। आप सभी के लिए पहले हम आपको सभी को प्रणाम करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आज का गुरु दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ करें इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक पाटा रख लें, उसमें पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का चित्र रख लें, कलश रख लें, एक दीपक जला दें और कुछ अक्षत पुष्प रख लें और पीले वस्त्र धारण करके पूर्व मुख होकर के आपको बैठना है। जिन लोगों ने इस प्रकार की तैयारी नहीं की हो, जब तक हम गुरु के बारे में बता रहे हैं तब तक आप ये पूर्ण तैयारी कर लें, दीपक जला लें और देव आवाहन कर लें, सत्कर्म कर लें। मित्रों, यूं तो जीवन में हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को गुरु वरण किया होता है, तो लोगों के मन में ये विचार आता है कि हमारा तो पहले से ही गुरु है, फिर गायत्री मंत्र की दीक्षा के लिए गुरु वरण करने की आवश्यकता क्या है। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, भगवान कृष्ण के 2 गुरु थे, संदीपनी और दुर्वासा। भगवान राम के 2 गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। गुरु आप अपने जीवन में अनेक बना सकते हैं। जिस प्रकार से कि बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और वो यदि ये सोचे कि प्ले ग्रुप में हमें जिस शिक्षक ने पढ़ाया था, कॉलेज में भी वही पढ़ाया, तो ये संभव नहीं है। जिस चीज़ में आपको पारंगत होना होता है, उस चीज़ के लिए, उस विषय में जो व्यक्ति पारंगत होता है, उस व्यक्ति से हमें ट्यूशन लगवाना पड़ती है, उसके साथ में हमको बैठ के पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना है और गायत्री के चमत्कार उसको अपने जीवन में धारण करना है, गायत्री की उसको सिद्धियाँ प्राप्त करना है, गायत्री के माध्यम से अपने जीवन को बदलना है, तो उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को गुरु वरण करना चाहिए जिसने कि गायत्री में PhD की हो, जो गायत्री मंत्र में जिसने अपनी पारंगत हासिल की हो। तो आज के युग में परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी ने अपनी तप शक्ति के द्वारा जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुँचाया। गायत्री मंत्र को कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। कई प्रकार की भ्रांतियाँ इस मंत्र के द्वारा, लोगों के द्वारा इस मंत्र के प्रति भर दी गई थी कि इसको ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जप सकता, अन्य जाति वर्ग के लोग नहीं जप सकते, महिलाएं नहीं जप सकती। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कठोर तपस्या की और उनके भी जीवन में 2 गुरु थे, एक थे पंडित मदन मोहन मालवीय और दूसरे जो थे वो सर्वानंद जी थे, जिनको हम दादा गुरु के नाम से जानते हैं, जिसकी लगभग 650 वर्ष से ज़्यादा उम्र है और जो कि हिमालय में तपस्यारत है, वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे। वो इस प्रकार से किसी को दिखाई नहीं देते हैं। पूज्य गुरुदेव ने जितनी भी अपनी 24 लाख के पुरुष चरण की साधना की है, उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने ये साधना की है। तो आज के समय में एक ऐसा सुवसर हमें प्राप्त हुआ है कि इस समय पर हम सही गुरु का वरण करके और फिर अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। गायत्री मंत्र की दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी दोनों साधनाएं रहती हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव दोनों में पारंगत थे। लेकिन यहाँ पर जो है दक्षिण मार्गी साधना की बात हो रही है, हम आपको जो दीक्षा दिला रहे हैं वो दक्षिण मार्गी साधना की है। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 24 लाख के 24 पुरुष चरण किए थे। हम जब गुरु का स्वरूप देखते हैं तो ऐसा देखते, बहुत सारा चंदन लगाए होंगे, रुद्राक्ष की मालाएं पहने होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, इस प्रकार के गुरुओं के चक्कर में लोग पड़ते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर अनंत शक्तियां थी। और जब हम ऐसे व्यक्ति को गुरु वरण करके गुरु दीक्षा लेते हैं तो निश्चित रूप से उस गुरु के माध्यम से, गायत्री मंत्र से, हम अपनी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति गुरु से जुड़ जाता है, फिर उसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके जन्म कुंडली के सारे ग्रह जो है वो पूज्य गुरुदेव उसके संतुलित कर देते हैं। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो
ईश्वर से डायरेक्ट संपर्क हमारा कराता है, जिसका कि संपर्क जो है वो ईश्वर से सीधा सीधा रहता है, तो उसके माध्यम से जो है हम ईश्वर के पास तक पहुंच सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाना चाहता है, तो हम भी इस दिन पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेकर के उनके जैसा जीवन जीने का प्रयास करें, और उन्होंने जिस प्रकार की शक्तियां प्राप्त की, जिस प्रकार से कि उन्होंने जन कल्याण किया, वो सारा काम हम सब कर सकेंगे। फिर जब हम साधना करते हैं तो समय साप विमोचन उत्कीलन न्यास जितनी भी क्रिया है वो सब गुरुदेव के द्वारा बहुत सरल कर दी जाती है, फिर उनकी आवश्यकता नहीं होती है। फिर आप जब मंत्र का जाप करते हैं तो बड़े जल्दी आपके लिए मंत्र फलित होना चालू हो जाता है। तो इस अवसर का आप लोग आज लाभ उठाने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से हम गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं, हमारे साथ साथ में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब सभी लोग अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से फंसा लें, इस प्रकार से मुट्ठी बांध लें, और दोनों अंगूठे अपने सामने कर लें और इसको छाती से इस प्रकार से मिला लें, और भावना करें स्वबल और ब्रह्मबल जो है साथ साथ मिल रहा है, और साथ में पूज्य गुरुदेव की प्राण ऊर्जा हमारे अंदर संचार कर रही है। जब आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले जब आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, और अब दीक्षा लेने के पश्चात में जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपको कई प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त होंगी और कई प्रकार के परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई देंगे। वह आपको अनुभव होगा कि पहले की अपेक्षा गुरु दीक्षा लेने के पश्चात में आपकी साधना में किस प्रकार से अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से अपनी निगाहें अंगूठों पर रखें और भावना करें, बाएं अंगूठे पर जो है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, दाएं अंगूठे पर माता भगवती देवी शर्मा, बाएं अंगूठे पर भगवान शिव और दाएं अंगूठे पर भगवान पार्वती विराजमान हैं, और उनकी शक्ति उनकी प्राण ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। यहाँ से टुकड़े टुकड़े में गायत्री मंत्र बोला जाएगा, उसको आप दोहराएंगे। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज आपने पांच देवताओं के समक्ष जो है दीक्षा ली है, अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु और इंद्र। तो अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कर लें, और इस प्रकार से करने के बाद में हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आप उन मंत्रों को दोहराएंगे। बोलिए ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम
अग्नि नमः, ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, ओम वायवे नमः, ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, ओम चंद्राय नमः, ओम व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, ओम इंद्राय नमः। अब अपने हाथों को नीचे कर लें और अक्षत पुष्प हाथ में ले लें और आज आपको संकल्प लेना चाहिए, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको गुरु को कुछ ना कुछ भेंट आपको देना चाहिए। तो आप गुरुदेव को क्या भेंट देंगे? गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी एक बुराई का परित्याग करेंगे और एक अच्छाई को ग्रहण करेंगे और आप संकल्प लेंगे कि आज से हम नियमित रूप से 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। 1 माला विश्व के कल्याण के लिए, 1 माला परिवार के कल्याण के लिए और 1 माला स्वयं के लिए। तो इस प्रकार से आप संकल्प लेंगे और संकल्प लेकर के मन ही मन जो है फिर जो अक्षत पुष्प जो है वो वहाँ पर छोड़ दीजिए। इसके पश्चात में फिर से अक्षत पुष्प लीजिए और आप जो है एक संकल्प लीजिए कि आज से जो है हम अपने जीवन का जो समय है 24 घंटे का, उसमें कम से कम 1 घंटे का समय पूज्य गुरुदेव के अच्छे कार्यों के लिए लगाएंगे, सत साहित्य का अध्ययन करेंगे और अपने आय का 1 अंश जो है नियमित रूप से शांति कुंज हरिद्वार भेजेंगे। आप प्रतिमाह नहीं भेज सकते तो कम से कम वर्ष में 1 बार गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कुछ धनराशि शांति कुंज हरिद्वार भेंट स्वरूप जो है गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में जरूर भेजनी चाहिए। इस प्रकार का आप मन ही मन संकल्प ले लें, जो भी आपकी इच्छा है वो संकल्प लेकर के उस अक्षत पुष्प को आप वहीं पर छोड़ दीजिए। इसके पश्चात में आप प्रणाम कर लीजिए। ओम नमस्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारणे नमः सहस्त्रकोटियुगधारणे नमः। साष्टांग नमस्कार करने के पश्चात में आपके कलश में जो जल है उसमें 1 पुष्प डाल करके अपने ऊपर और समस्त देव शक्तियों के ऊपर अभिसिंचन करके और उस कलश के जल को जो है आप पूरे अपने घर के कमरों में अभिसिंचित कर दें और तुलसी के झाड़ में सूर्य जहाँ से उदय हो रहा है उस तरफ मुंह करके सूर्य को आप अर्घ दे दें और फिर उसके पश्चात अपनी पूजा स्थली पर बैठ करके थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर के और भगवान का विसर्जन कर दें, क्षमा प्रार्थना कर लें और विसर्जन कर दें कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पर जाएँ और अपने ज्ञान के रूप में हमारे यहाँ पर विराजमान रहें, हमें अपना मार्गदर्शन करते रहें, हमारी समस्त कठिनाइयों को आप दूर करते रहें। पूज्य गुरुदेव और आई हुई देव शक्तियों से प्रार्थना करके प्रणाम करके आप उठ जाएं। आज आपका दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होता है और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे और आप गायत्री मंत्र का अपने जीवन में लाभ उठा पाएंगे, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व आशीर्वाद आप लोगों को सदैव इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। आज की बात समाप्त करते हैं, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमें आज्ञा दें, नमस्कार, ओम शांति। भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है, स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौ
भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते, गुरु आते जाते पर नारायण कभी कभी आते, कभी अवतार हुआ करते पाप धरती पर बढ़ जाते, कभी अवतार हुआ करते पाप धरती पर बढ़ जाते। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है, ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है, स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य।